मैं आपको एक चीज बता दूं, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, मैं सच कह रहा हूं। मैं 2-3 दिन से प्रार्थना में हूं और मुझे अंदर से महसूस हो रहा है मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। मेरी इच्छा है प्रभु यीशु के संग रहना। आमेन। आप स्वर्ग जाके क्या करेंगे अगर प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, अगर प्रभु जैसा जीवन नहीं बिताएंगे, अगर प्रभु जैसा स्वभाव आपके अंदर नहीं होगा? आपको एक बड़ा बंगला दे दिया जाए कि आपको इस बंगले में जाकर रहना है। स्वर्ग एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वहां पर अगर आप यीशु से ही नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा? स्वर्ग जाने का फायदा है? हेलो, फायदा है बिना यीशु के? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर मैं धरती पर यीशु के साथ नहीं रह पा रहा हूं, अगर मैं धरती पर यीशु के जैसा नहीं रह पा रहा हूं, अगर मैं धरती पर यीशु जैसा स्वभाव अपने अंदर नहीं रख पा रहा हूं, आप क्या समझते हैं आप स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। एक चीज आपको और बता दूं कि बीमार आदमी स्वर्ग जा सकता है। अगर आपको कैंसर है आप स्वर्ग जा सकते हैं। अगर आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, आपकी आंखें नहीं चल रही, एक आंख आपकी बंद है, आप कान से सुन नहीं सकते, आप लंगड़ा के चल रहे हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पाप है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आपके अंदर पाप है, आप चर्च आते हैं अपनी चंगाई के लिए, रॉन्ग। हमें रोज अपने आप को यह देखना है कि मेरे अंदर कहीं मेरे अंदर कोई पाप तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर आपके अंदर पाप है आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप बीमार हैं, जा सकते हैं आप स्वर्ग, प्रभु से भी मिल सकते हैं आप गले अगर आप बीमार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला योना 3:2 पढ़िए बेटा, पहला योना 3:2 जल्दी पढ़िए। 1 John 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। आमेन। बस हालेलुया। इससे बड़ी चीज कोई नहीं है जो मुझे चाहिए कि जब यीशु आएगा तो मैं उस जैसा बनूंगा, उस जैसा होऊंगा। आमेन। इसलिए अगर आपके अंदर पाप है तो आपके अंदर यीशु नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, साफ है। अगर आप झूठ बोलते हैं नहीं रह सकता, आप धोखा देते हैं, आप बेवकूफ बनाते हैं, नहीं रह सकता है। हालेलुया। और अगर आपके अंदर पाप है, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, मुझे अगर पूरी तरीके से वचन का ज्ञान है और मेरे अंदर पाप है तो प्रभु नहीं स्वीकार करेगा, मुझे नहीं स्वीकार करेगा। कोई फायदा नहीं इतनी मेहनत करने का। हाँ, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है और मेरे अंदर पाप नहीं है, परमेश्वर स्वीकार करेगा। मैं नहीं जानता हूं उत्पत्ति से प्रकाशित बात में क्या है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं पाप रहित जीवन जीऊं। आमेन। चाहे मेरे पास पैसा ना हो, चाहे मेरे पास दौलत ना हो, चाहे मेरे पास गाड़ी ना हो, लेकिन मेरे अंदर पाप ना रहे, क्योंकि पाप को वो स्वीकार नहीं करेगा।
Yes. पाप को स्वीकार नहीं करेगा वो. हालेलुया. तो इस 2024 में हम ये जानेंगे कि परमेश्वर के संग हमारा संबंध कैसा होना चाहिए. हालेलुया. आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आपकी दोस्ती हो जाए, परमेश्वर से आप मिले, परमेश्वर को आप जाने. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो मैं जो आज का विषय लेके चला हूं उसमें यह है कि परमेश्वर के संग हमारा संबंध कैसा होना चाहिए. हम जब प्रार्थना करें तो हमें परमेश्वर का इंतजार कैसे करना चाहिए. हालेलुया. और नंबर 3 कि हमें परमेश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए. कितने लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मेरे पिता की सेवा. हालेलुया. परमेश्वर की सेवा में अपने मन को लगाना. हमें जो भी सेवा करनी है मेरी बहन मेरे भाई मन से करनी है. हालेलुया. तो आज इस इन चीजों के लिए इस पॉइंट्स के लिए मैंने अध्याय 18 प्रेज द लॉर्ड उत्पत्ति का 18वां अध्याय मैंने देखा है. तो 1 से 15 तक हम उस अध्याय को पढ़ेंगे और उस अध्याय में क्या क्या लिखा हुआ है वचन उसके अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. और मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा और इस अध्याय के द्वारा इब्राहिम के द्वारा और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आप समझेंगे. तो 3 पॉइंट्स हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर से कैसा होना चाहिए, हम कैसे परमेश्वर का इंतजार करें और हमें परमेश्वर की सेवा कैसे करनी चाहिए. हालेलुया. लोग तैयार हैं? आमीन. समझने के लिए तैयार हैं? उसमें जीने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? बोलिए यीशु मसीह की. हालेलुया. परमेश्वर आपसे बहुत प्यारा. पढ़िए 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 बहन जल्दी पढ़िए. हालेलुया. अब्राम ममरे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था. हालेलुया. यहां देखिए अब्राम जो कि परमेश्वर का चुना हुआ दास था, जब ये 75 था तो परमेश्वर ने उसको उर्देश से बुलाया और उसको आशीष दिया, ब्लेसिंग्स दी और उसको वादा किया कि मैं तुझे एक बच्चा दूंगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो इब्राहिम और उसका नाम चेंज किया. पहले उसका नाम था अब्राम और अब उसका नाम है इब्राहिम. हालेलुया. तो उसका नाम चेंज किया. अब आप यहां देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेम को इब्राहिम ने कैसे जाना है. हालेलुया. बड़ी अच्छी सी बात है. इसको ध्यान से समझने की आज इस अगर अध्याय को आप ध्यान से समझ गए, मैं सच कह रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा. जो सामने बैठे हैं YouTube के लिए जो देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं आप ध्यान से अगर इसको समझेंगे आपका जीवन बदल जाएगा. ध्यान से समझिए और उसको शेयर करिए और जो नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें. प्रमोशन आपको आशीष दे. हालेलुया. जब इब्राहिम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था तब यहोवा मरमे के बाज वृक्षों के पास उसके पास प्रकट हुआ. मरमे का मतलब होता है समृद्धि. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रॉस्पेरिटी. आप समझ रहे हैं प्रॉस्पेरिटी. तो इब्राहिम कहां था? कड़ी धूप थी और अपने द्वार पर, अपने मकान के द्वार पर बैठा हुआ था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाइबल बताती है कि उसके पास 318 नौकर थे, 318 दास दासियां थे. उसके बाद बहुत पैसा था, बहुत पैसा था. हालेलुया. दोपहर में क्या करता है इंसान? हालेलुया. आमतौर पर आराम करता है. खाना खा के इंसान क्या करता है? आराम करता है. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन यहां पर अब्राहम ने क्या कर रहा है? द्वार पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है. आमीन. हालेलुया. हम अपने आप को अगर देखें तो हम क्या ऐसे इंतजार करते हैं परमेश्वर का? और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या इब्राहिम को अभी तक लड़का हुआ था? क्या इब्राहिम की इच्छाएं पूरी हुई थी? प्रेज द लॉर्ड. वाचा पे वाचा परमेश्वर उसके संग बांध रहा था लेकिन उसको बच्चा नहीं दे रहा था. सारा की गोद को भर नहीं रहा था वो. प्रेज द लॉर्ड. पैसा दे रहा था, सब कुछ दे रहा था लेकिन उसकी गोद को नहीं भर रहा था. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो यहां वो क्या कहता है कि द्वार पर बैठा कड़ी धूप के साए में, कड़ी धूप के नजर में वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा था. आगे तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया. तब. हालेलुया. ये वचन कहां से शुरू हुआ था? जब. ये जब बाइबल में जब और तब आता है ना, इसको समझिए की कोशिश, रुक जाया करिए. जब आप वचन पढ़े और जब समझ, जब से शुरू होता है उसको सोचिए.
जब तब से क्यों शुरू हुआ ये? हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम कड़ी धूप में बैठा हुआ था, दूसरा वचन, और जब तब यहोवा ने उसको दर्शन, जब उसने आंखें उठाई, हां तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया। आमेन। परमेश्वर कब आपके जीवन में आता है? परमेश्वर जानना चाहता है आप उससे कितना प्रेम करते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर कभी कभी आपकी प्रार्थनाओं को पूरा नहीं करता है, आपकी प्रार्थनाओं को रोक लेता है। क्यों रोक लेता है पता है आपको? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे समझें, आप उसे जानें। बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर को आप नहीं जानेंगे, तब तक आप जो उसके जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है, आप उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर क्या है, ये जो मुझे परमेश्वर ने दिया है इसकी कीमत क्या है। क्योंकि परमेश्वर जो आपको देना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसकी कीमत को समझें। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है। लेकिन आपके एक्सपीरियंस होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरी ये प्रार्थना तो सुनी नहीं है, मेरी ये प्रार्थना पूरी नहीं हुई है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है और इमीडिएट सुनता है। एक पास्टर बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसकी प्रार्थना सुनने का ढंग है एक ट्रैफिक की लाइट देखी है आपने? ट्रैफिक की लाइट्स देखी है, रेड, येलो और ग्रीन। हालेलुया। जो ट्रैफिक की लाइट्स होती है, ग्रीन, येलो और रेड। परमेश्वर का प्रार्थना सुनने का भी ढंग यही है। कभी कभी आपकी प्रार्थना आप करते हैं और इमीडिएट प्रार्थना सुनी जाती है, परमेश्वर कहता ले लो, यानी कि ग्रीन लाइट आपके लिए, ग्रीन लाइट है। हालेलुया। येलो लाइट का मतलब है कि आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने कहा रुको, कुछ देर रुको, मैं तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूंगा, रुको। तो क्या उसने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी? अगर उसने कहा है रुको तो सुनी तो है उसने प्रार्थना। अब वो कहता है कि ये चीज आपको 2 महीने के बाद मिलनी चाहिए, 2 साल के बाद मिलनी चाहिए। उसकी इच्छा ये है कि ये चीज आपके अंदर 2 साल के बाद आए। उसने सुनी है, उसने कहा येलो लाइट है, 2 साल के बाद आपके जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। एक प्रार्थना होती है रेड, जो परमेश्वर कहता है नहीं, ये नहीं दूंगा मैं, ये आपके लिए नहीं दूंगा। अभी 5 साल का, 2 साल का बच्चा आपसे बोले मुझे 500 रुपए दे दो, पापा मुझे 500 रुपए दो, तो आप देंगे? आपने प्रार्थना तो सुनी ना उसकी, आपने उसकी प्रार्थना तो सुनी। आपके 2 साल के बच्चे ने मांगा 500, आपने सुना तो सही लेकिन आपने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं दूंगा क्योंकि तो 500 के लायक नहीं है। 20 साल का होगा, 25 साल का होगा तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा। हालेलुया। आजकल कभी कभी लड़के होते हैं कि पापा मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत है, वो लड़की मुझे चाहिए। पिता कहता है बेटे रेड लाइट है। पापा रेड लाइट क्यों? वो बहुत लड़की खूबसूरत है। पिता कहता है बेटे तू नहीं जानता है, वो खूबसूरत तो है लेकिन वो आत्मिक नहीं है, वो आत्मिक नहीं है, वो परमेश्वर को नहीं समझती है, वो कुछ दूर तक जाकर तुझे प्रॉब्लम देगी, इसलिए तेरे लिए रेड लाइट अच्छी है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता नहीं है, सुनता है लेकिन हर प्रार्थना आपकी पूरी नहीं करता है। हालेलुया। हर प्रार्थना आपकी पूरी नहीं करता है। आप प्रार्थना करते हैं कि साहब इस बहन ने मुझे बहुत गालियां सुनाई, परमेश्वर इसका बुरा करो। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी तो क्या वो पूरा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों से प्यार करो। परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है दुश्मनों से प्यार करो। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर इस दुश्मन से बेजार हो गया हूं, परमेश्वर दया कर इस दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए, क्या परमेश्वर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद वचन दिया है दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम, आप ये विश्वास करिए कि बाइबल का परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा पिता,
ये कहता है कि प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। अगर आपका प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। इसलिए परमेश्वर ने बताया, यीशु मसीह ने अपनी चेलों के लिए प्रार्थना बताई है, मत्ती 9:7-9 हम देखेंगे कि प्रभु ने बताया कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती 6:7-9 जल्दी पढ़िए बेटा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। आमेन, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करने का तरीका बता रहा है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए उसका अगर 9 पढ़ेंगे, 9 अध्याय पढ़िए, 9वां वचन 6:9। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमेन, हालेलुया। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आप उसे परमेश्वर कहें, वो आपका पिता है, वो आपका पापा है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर से संबंध बनाना चाहते हैं तो वो पिता के रूप में आपके पास आया है। यीशु मसीह ने हमें पिता के रूप में परमेश्वर से मुलाकात करवाई है। इसलिए जो अन्य जाति के लोग हैं, जो फारसीज हैं, वो बकबक करते हैं। आप अगर परमेश्वर बोलते हैं, अगर सर्वशक्तिमान बोलते हैं, वो है, लेकिन एक्चुअल में बाइबल कहती है कि वो आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी चीज आपको करीब लाती है, परमेश्वर या पिता? कौन सी चीज आपको करीब लाती है? आपका बेटा अगर आपको बोले, मिस्टर अनिल कोचर कैसे हैं आप, मुझे पैसे दो, तो कहूंगा अरे मैं तेरा बाप हूं। और अगर मेरा बेटा करेगा, पापा प्लीज मेरे ये प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम को दूर करो, मुझे पैसा दो, बाप दे देगा। कौन सी चीज आपको करीब लाती है, उसका नाम या उसका रिश्ते का डेजिग्नेशन? कौन सी चीज आपको करीब लाती है अपने पिता के? हालेलुया। पापा, जो उसने बोला कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहली बात है कि हम ये समझें कि वो हमारा पिता है, और दूसरी बात यह है कि वो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में है, इस समय भी मौजूद है। स्वर्ग और धरती पर को बनाने वाला कौन है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा 28:29 में कहा कि जाओ और पूरे देश में, पूरे संसार में सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों से कहा, 28:18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमेन, हालेलुया। सुसमाचार सुनाने से पहले अगर आप इस पर विश्वास करेंगे कि मेरे यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दे दिया गया है, हालेलुया, मैं जिसकी प्रार्थना करता हूं, मैं जिसको पूछता हूं, मैं जिसको पापा कहता हूं, उसको स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैं एक मॉल में गया था, वहां पर एक बच्ची थी जो रिसेप्शन में थी, जो कि बिल काट रही थी। एक दूसरे पास्टर मेरे साथ थे, और जैसे मेरी आदत है कि मैंने उसको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। उसका नाम चांदनी था, अभी तक याद है मुझे, चांदनी। और मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया, और मैंने उसको एक्सेप्ट कराया कि मेरे सामने बोलो कि मैं पापिन हूं, मुझे यीशु तेरी जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग और धरती का अधिकार तुझे दिया गया है। हालेलुया। और उसने वो प्रार्थना एक्सेप्ट की, और उसने वो प्रार्थना मेरे सामने दोहराई मेरे साथ साथ। प्रेज द लॉर्ड। छूने वाला कौन है? प्रभु। उसका जीवन परिवर्तित करने वाला कौन है? प्रभु। आपके जीवन में काम करने वाला कौन है? प्रभु। लेकिन हमें अपने पड़ोसी से, अपने भाई को यह बताना जरूरी है कि यीशु मसीह को स्वर्ग और धरती का अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। इब्राहिम ये जानता था कि परमेश्वर कौन है, इसलिए द्वार पर बैठा हुआ। उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसका बेटा नहीं आया था उसकी कोख में। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन वो परमेश्वर को जान चुका था, परमेश्वर से इतना प्रेम करता था, परमेश्वर से ऐसा संबंध था कि दोपहर की तेज धूप में वो परमेश्वर का इंतजार कर रहा था। जब आप अपना सब कुछ छोड़कर, जब आप अपना कंफर्ट छोड़कर, जब आप अपना एसी छोड़कर, जब आप अपना बिस्तरा छोड़कर परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और उसे बताएंगे कि मैं तेरे लिए तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरे लिए हूं, जिस दिन आप उसे एहसास दिलाएंगे कि मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है, उस दिन बाइबल कहती है तब यहोवा प्रकट हुआ, तब परमेश्वर प्रकट होगा और आपकी बात का जवाब देगा, आपके सवालों का जवाब देगा, आपको बताएगा कि मैं तेरे साथ हूं, आपके कंधे पे हाथ रखेगा, आपके दिल में मोम डालेगा, आपके दिल को परमेश्वर पसीजेगा। आमीन। जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जब आप संसार से निकलेंगे, जब संसार को अपने अंदर से निकाल देंगे, खतना की वाचा के बाद अब्राहम चेंज हो गया, खतना की वाचा के बाद अब्राहम चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे हैं? आप क्यों नहीं चेंज हो पा रहे हैं? आज भी हमारे यूथ जो हैं, मैं देखता हूं और मुझे दुख होता है कि संडे के संडे मसीह हैं, रविवार के रविवार मसीह हैं वो। आपको रविवार के दिन तो बहुत अच्छे मसीह लगते हैं वो, लेकिन पूरे वीक मसीहत नहीं है उनके अंदर। हालेलुया। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाते हैं। चर्च से जाते ही वो महसूस करते हैं कि नहीं, ओके, जितना होना था हो लिया, अब नेक्स्ट उठाओ और संसार में कदम बढ़ाओ। इसलिए आज के जो लड़के लड़के जो यूथ हैं, हमारे चर्च में भी हैं, मैं देखता हूं कि संडे को उनको बहुत अच्छा काम करते हुए देखता हूं, लेकिन मंडे टू सैटरडे परमेश्वर की उपस्थिति को मैं नहीं देखता हूं, नहीं देखता हूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे प्रकट होगा आपके जीवन में? सब कुछ था अब्राहम के पास, 318 नौकर थे, दास दासियां थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम क्या है, वो द्वार पर बैठा हुआ, धूप में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। अगला पढ़िए बेटा। हालेलुया। और जब उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि तीन पुरुष मेरे सामने खड़े हैं। तीन पुरुष यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जानते हैं तीन एक है, तीनों एक है। हालेलुया। आमीन। लेकिन जब आपका प्रेम अद्भुत होता है, जब आपका प्रेम सिर्फ प्रभु के लिए होता है, तब आप उन तीनों को देख पाते हैं, उन तीनों को महसूस कर पाते हैं। जब आपका प्रेम उसके लिए होता है, जब आप सिर्फ उसी को देखते हैं, जब आप संसार को नहीं देखते हैं, जब आप अपने आराम को नहीं देखते हैं, जब आप उसको ही देखते हैं, तब आप एक में तीन को महसूस करते हैं, क्योंकि तीन वहां खड़े थे। हालेलुया। आगे बेटा। जब उसने देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर कर दंडवत की और कहने लगा, आमीन, 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 हालेलुया। जब उसने देखा, मेरे भाई, जब उसने महसूस किया कि सामने परमेश्वर है, सामने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, हालेलुया, वो अपने तंबू से उठा और भाग कर उसने उनके चेहरों में, चरणों में दंडवत किया, समर्पित कर दिया। उसने बताया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, यस, मैं अगर द्वार पे बैठा था तो तेरे लिए बैठा था, मुझे अगर चाहिए तो तू चाहिए मेरे पिता। उसने बताया कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पिता मुझे स्वीकार कर। हालेलुया। क्या आपने प्रभु के सामने दंडवत किया है? क्या कभी प्रार्थना करते समय आपने कहा है कि मुझे स्वीकार कर, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। दौड़ता हुआ गया। आमीन। मैं आपको सच बताऊं मेरे भाई, मेरी बहन,
परमेश्वर की उपस्थिति को आप जानते नहीं हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आती है ना, आप कुछ गलत सोच ही नहीं सकते, आप कुछ गलत सोच ही नहीं सकते, आप कुछ गलत डिसीजन नहीं ले सकते, गलत विचार आपके अंदर नहीं आएंगे अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। और मैं सच कह रहा हूं, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं इतना आत्मविभोर हो गया, इतना मैंने धन्यवाद कहा परमेश्वर से कि इब्राहिम के ने अंदर क्या मन था, क्या आत्मा थी, कि वो कहता है दौड़ता हुआ उसके पास गया और क्या बोला, हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। हाँ, ध्यान दीजिए आप, 100 साल का इंसान जिसके बच्चा नहीं है, जो बच्चा मांग रहा है 25 साल से, इब्राहिम 25 साल से यहोवा से कह रहा है मुझे बच्चा दे, उसकी जो बीवी है वो तड़पती है बच्चों के लिए। हालेलुया, जब उसने परमेश्वर को देखा, मेरे भाई इधर देखिए मेरी तरफ, जब उसने परमेश्वर को देखा तो वो दौड़ता हुआ गया। हालेलुया, और मैं सच कह रहा हूं उसकी उपस्थिति को सिर्फ वही जान सकता है जो प्यासा होगा, जो प्यासा होगा, जो प्रभु के वचन के लिए प्यासा होगा, जो उसकी आत्मा के लिए प्यासा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इब्राहिम उसकी आत्मा के लिए प्यासा था, यीशु के लिए प्यासा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जाते ही वो उसके दंडवत उसके पैरों पर पड़ गया। हालेलुया, और उसके बाद उसने अपने लिए नहीं मांगा, वो कहता है मैं तेरी सेवा कैसे करूं, बता तुझे क्या चाहिए। हे महन, अगर आपके सामने प्रभु प्रकट होगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरे बच्चे का अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी का अच्छा हो जाए, मुझे धंधा मिल जाए। हालेलुया, इब्राहिम कहता है कि तुझे क्या चाहिए। हे महन, तुझे क्या चाहिए मेरे जीवन से? यही परमेश्वर की सच्ची उपस्थिति को आप जब महसूस करेंगे तो आप अपने लिए नहीं मांगेंगे, आप अपने लिए नहीं मांगेंगे। जिस दिन आपने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर लिया, इब्राहिम कहता है मैं तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए पानी ले आऊं और मैं तेरे लिए रोटी ले आऊं जिससे तू तृप्त हो जाए। इब्राहिम परमेश्वर को तृप्त करने की सोच रहा है। क्या आप परमेश्वर को तृप्त कर सकते हैं? क्या आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? हालेलुया, मैं अपने परमेश्वर को जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे उद्धार दिया, जिसने मुझे पापों से मुक्त किया, जिसने अपने इकलौते पुत्र का मेरे लिए बलिदान दिया, मैं क्या करूं उसके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या सुबह उठते हैं आप ये मांगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तेरे लिए कैसे उपयोगी हूं? प्रेज़ द लॉर्ड, इब्राहिम कहता है मैं तुझे कैसे तृप्त करूं। पांचवा पढ़ो बेटे, पांचवा। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तृप्त करें, सेटिस्फाई करें। क्या आप और मैं सोच सकते हैं कि मैं अपने परमेश्वर को तृप्त कर सकता हूं? मेरे पास ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है, चाहे मेरा पैसा या चर्च या मेरी गाड़ी, अब क्या वो परमेश्वर को तृप्त कर सकता है? मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो तृप्त कर सकती है? क्या चीज है आपके पास, क्या चीज है आपके पास जिससे आप परमेश्वर को तृप्त कर सकते हैं? कोई जवाब देगा? आपके पास ऐसी क्या चीज है जिससे आप परमेश्वर को तृप्त कर सकते हैं? कोई जवाब देगा? आपका प्रेम, आपका प्रेम। हालेलुया, सिर्फ अपने प्रेम के द्वारा ही वो तृप्त हो सकता है। हालेलुया, जिस दिन वो आपके अंदर प्रेम देखता, भजन संहिता 91:14, भजन संहिता साम 91:14, इसलिए परमेश्वर आपके प्रेम को देखना चाहता है। प्रेम, आपके प्रेम से ज्यादा इंटरेस्टेड है वो, आपकी भेंटों से ज्यादा आपके प्रेम में इंटरेस्टेड है वो। तुम क्या उसके लिए लाते हो, उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। चर्च में आप किस प्रेम के संग आते हैं,
हालेलुया। साम 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। जिसने मुझसे प्रेम किया है उसे मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रेम मतलब इब्राहिम का प्रेम, उसने प्रेम किया कि मैं आपके लिए क्या करूं, और प्रभु दया कर जो रोटी मेरे पास है मैं चाहता हूं तू उसे खा और तृप्त हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे जीने की इच्छा यह है कि मेरा जीवन परमेश्वर को तृप्त करे तो परमेश्वर मुझे उठाएगा। क्या लिखा है साम 91:14 में, जिस दिन वो मेरे अंदर प्रेम देखता है वो निर्णय लेता है कि वो मुझे छोड़ाएगा, मुझे शैतान से छुड़ा। क्यों आपके घरों में अंधकार है? क्यों आपके लोगों के घरों में अभी भी लड़ाई है? क्यों आपके घरों में अंधकार है और अभी भी शैतान काम कर रहा है? आप सेटिस्फाई नहीं है, आप अशांत हैं, आप अभी भी अशांत हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर प्रेम नहीं देख रहा है। साम 91:14 क्या कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। क्यों आप ऊंचे स्थान पर नहीं है? परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कब? जिस दिन वो आपके अंदर अपने लिए प्रेम देख लेगा। आमीन। अगर आपके अंदर प्रेम आपकी नौकरी के लिए, अगर आपके अंदर प्रेम आपकी पत्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धंधे के लिए है, तो उसका वादा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तब आप उसके प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, तब आप उसके प्रोमिसेस को समझ नहीं पाएंगे। उसने तो आपको छुड़ाया है, शैतान से छुड़ाया है उसने आपको, अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर। कि आप समझे? नहीं समझे। अभी भी संसार में है, अभी भी संसार की अभिलाषाएं आपको खींच रही हैं, आंखों की लालसाएं आपको खींच रही हैं, बुद्धि का घमंड आपके साथ है। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर यह भावना नहीं कि मैं मेरा जीवन कैसे परमेश्वर को तृप्त करे। आमीन। कैसे तृप्त करे? आगे बड़ो बड़े छठा पांच को दोबारा ले लो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। आमीन। उसके बाद भले ही आप चले जाएं, हालेलुया। आमीन। वो कह रहा है मैं तेरे लिए आपका रोटी लाऊं ताकि तू तृप्त हो जाए, उसके बाद तू चला जा। उसके बाद मेरी इच्छा यही है कि मैं तृप्त करूं। लॉर्ड, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। हेलो, कभी आपने कोई भी ऐसी प्रार्थना की जिसमें अपने लिए नहीं मांगा है? आप रोटी खाएं, तृप्त हो और उसके बाद भले ही आप चले जाएं, लेकिन मैं आपको तृप्त करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप उस एहसास को समझने की कोशिश करिए, आप उस प्रेम को समझने की कोशिश करिए जो इब्राहिम के अंदर था। वो कितना प्रेम कर रहा है, उसका मकसद, उसके जीवन का लक्ष्य। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम, परमेश्वर से प्रेम। वेरी गुड। और कोई बोलेगा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आप अपने जीवन की शुरुआत अपने लक्ष्य से करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आपका लक्ष्य क्या, एम क्या है? मुझे क्या करना है? मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये एम है। मुझे बहुत बैंक बैलेंस रखना है, ये एम है। मुझे अपने बच्चों के लिए 100 करोड़ 10 करोड़ छोड़ के जाना, ये एम है। क्या एम है आपका? क्योंकि जैसा एम होगा वैसा ही आप काम करेंगे। हालेलुया। आमीन। आप जहां काम करते हैं 50-60 हज़ार यहां भी जो भी कमाते हैं, आपका एम क्या होता है? अपने बॉस को खुश करना। मैं अपने बॉस को खुश करूं, जो ये कहता है वो करूं, यही होता ना एम आपका। हालेलुया। आपका एम क्या है? प्रभु से प्रेम करना एनी कॉस्ट।
मेरे अंदर पाप ना आए, बस मैं परमेश्वर से प्रेम करूं और मेरे अंदर कोई पाप नहीं आए। जिस दिन आपका ये एम हो गया, जिस दिन आपका ये लक्ष्य हो गया कि नहीं, कुछ भी हो, कितना भी नुकसान क्यों ना हो, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से पाप नहीं निकलेगा, कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं रहेगा, कोई भी पाप मैं अपने अंदर नहीं आने दूंगा। जिस दिन आपके जीवन का यह लक्ष्य होगा, जिस दिन आपने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि मैं अपने अंदर पाप नहीं आने दूंगा ना, उस दिन से परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ता जाएगा। उस दिन परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बढ़ता जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, आपको एक खजाने की चाबी दे रहा हूं। उस दिन से आप रोज देखेंगे कि आपके अंदर एक प्रेम भर रहा है, परमेश्वर के लिए प्रेम भर रहा है। आप पाप सुनते हैं और डर जाते हैं कि नहीं नहीं ये पाप नहीं आना चाहिए मेरे अंदर। हालेलुया, भजन संहिता 139:23, हालेलुया, साम 139:23, एक मसीह का सबसे बड़ा, उसकी टेंशन क्या होती है मसीह की, पढ़िए बेटा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच कर जान, मेरी चिंताओं को जान। 24वां, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। ये मसीह की प्रार्थना है, ये दाऊद की प्रार्थना है। हे परमेश्वर, मुझ में देख कि कहीं कोई बुरी चाल तो नहीं है, मैं कहीं अपने स्वार्थ के लिए कोई बुरी चाल तो नहीं चल रहा हूं, मेरी चाल से कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, मैं अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ ऐसा झूठ बोल रहा हूं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं जिससे कोई दुखी हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आमीन। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपकी चाल झूठी है, अगर आप कुछ पाने के लिए गलत योजना कर रहे हो जिससे सामने वाला दुखी हो रहा है, आप पाप कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप मसीह नहीं है, आप बिल्कुल मसीह नहीं है, आप बिल्कुल मसीह नहीं है। कहने को आप चर्च आते हैं, आप बिल्कुल मसीह नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रही है और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अपनी चाह के लिए, आपने प्लानिंग की 4 साल के बाद मैं ऐसा करूंगी, 2 साल के बाद मेरा ऐसा होगा, और उसकी प्लानिंग की वजह से आप किसी को दुख दे रहे हैं। गलत है, पाप है। इसलिए आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि पाप मेरे अंदर ना आए, वो रिश्ता मुझे मिले ना मिले, मेरी गाड़ी मुझे मिले ना मिले, मुझे नौकरी मिले ना मिले, मुझे धंधा मिले ना मिले, लेकिन मैं कोई पाप ना करूं, मेरे किसी काम से पाप मेरे अंदर ना आए। जिस दिन अपने आप को, अपने जीवन में आपने ये लक्ष्य बना लिया, उतना उस वक्त, उस दिन परमेश्वर का प्रेम हर पल आपके अंदर रहेगा। आगे बढ़िए बेटा। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हाँ। तब अब इब्राहिम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। हाँ। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा। देखिए, ये है पत्नी का रोल। दोपहर का समय था, हमने देखा इब्राहिम तो नहीं सो रहा है, हो सकता सारा सो रही हो पत्नी भाई, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की सेविकाई का सवाल आया, उसने इमीडिएट सारा को उठाया, सारा उठो जल्दी से, 3 पसेरी आटा, यानी कितना होता है और कितने फुलके बनाने पड़ेंगे उसे, 3-4 नहीं, हालेलुया, 1 पसेरी में कम से कम 15 फुलके बनेंगे या 20 बनेंगे, जो भी बनेंगे, यानी कि 50-60 फुलके उसको बनाने हैं कि तुम उठो और फुलके बनाओ। और सारा ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं अभी सो रही हूँ, अपने नौकर को बुलाओ ना, 318 है यार, कोई तुम अकेले तो नहीं हो, 318 नौकर हैं यार, उनमें से किसी को बुलाओ। नहीं, पति ने जब कहा है तो पत्नी काम करेगी। सहभागिता मसीह की सेवा में पति पत्नी एक होने चाहिए, पति पत्नी एक होने चाहिए। मैं आज धन्यवाद कहता हूं परमेश्वर को कि लक्ष्मी जैसी पत्नी मुझे मिली है, हर पल हर क्षण वो मेरे साथ खड़ी है। वो बीमार है,
उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन फिर भी जब प्रभु ईश्वर की जरूरत होती है, जब सेवा की जरूरत होती है, वो एनी हाउ मेरे संग आती है और वो काम करती है। ये पत्नी होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वासी ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। विश्वास, अविश्वासी लोगों के साथ रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। उनके अंदर प्रेम नहीं होगा, उनके अंदर तरस नहीं होगा, उनके अंदर बोझ नहीं होगा सेवा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इब्राहिम ने तंबू में साला से फुर्ती में जाकर कहा कि 3 सा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। आगे 7वां, फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। 9वां, तब उस 9वां उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, अब परमेश्वर आपको देना चाहता है कुछ। क्या इब्राहिम ने कुछ मांगा? इब्राहिम ने क्या कहा? मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मैं तुझे तृप्त करना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर से उसने कुछ मांगा? लेकिन परमेश्वर जो ज्ञानी है, हालेलुया, जो सर्वशक्तिमान है, जो दयालु है, जो कृपालु है, उसको पता है कि उसे क्या करना है। उसने कहा, कहाँ है तेरी पत्नी, कहाँ है? आगे 10वां, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए बहुमूल्य क्या चीज है? मैं कह रहा हूं, आपके लिए बहुमूल्य क्या चीज है आप नहीं जानते। आपकी नौकरी आपके लिए बहुमूल्य नहीं है, आपका धंधा आपके लिए बहुमूल्य नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद 318 उसके पास सेवक थे, धन दौलत थी, इतना सब कुछ था, उसके बावजूद भी उसके लिए बहुमूल्य क्या था? उसका पुत्र। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हुए आप जब ये कहेंगे कि मैं आपको तृप्त करना चाहता हूं, मेरे जीवन से मैं आपको तृप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको वो चीज देगा जो आपके लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। 318 के 500 नौकर नहीं कर दिया उसने कि चल तेरे 500 नौकर हो। हालेलुया, तेरी और 100 जाते और 100 दासियां तेरे पास आ जाएं। आपके लिए बहुमूल्य क्या है आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है आपके लिए बहुमूल्य क्या है। उसने कहा, अगली बार मैं आऊंगा और तेरे पुत्र होगा, तेरी औरत को पुत्र होगा। हालेलुया, आगे बढ़िए बेटा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? देखिए मेरे भाई, आप अपनी स्थिति को, हम कभी कभी परमेश्वर के प्रोमिसेस को भूल, हम अपने तक पहुंचने के लिए उसको हम चूक जाते हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम सोचते हैं कि क्या ये होगा मेरे साथ। आमीन। अगर आप एक झोपड़ी में रहते हैं और परमेश्वर कहे कि आपको एक हफ्ते के बाद 3 कमरों का मकान मिल जाएगा, और आप कहें नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी हमें ये विचार नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आपके पति को बदल सकता है। आमीन। क्या बात कर रहे हैं आप? परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? लेकिन जैसे उसने कहा तो सारा सुन रही थी कि तेरे बच्चा होगा, और सारा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे कर सकती हूं, मैं कैसे बच्चा होगा? परमेश्वर के प्रॉमिस को अंगीकार करिए, होगा, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला है। आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। होगा। आगे। तब सारा डर के मारे ये कहकर
मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देखता है, आप मन से कितना प्यार करते हैं। कभी कभी होता है हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं हम और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये कहते हैं कि नहीं कर तो रहा हूं लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। कई बार आप लोग करते हैं। परमेश्वर आपके मन को जांचता है। आप समझते कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है। हालेलुया। इसलिए जब भी मांगे विश्वास के संग मांगे, जब भी आप प्रार्थना करें परमेश्वर से विश्वास के संग प्रार्थना करें कि परमेश्वर से मांग रहा हूं मैं, परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए कान खोल के रखिए, अपने मन को खोलिए, परमेश्वर से मांगिए कि मुझे बताइए, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। जैसे सारा ने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा था, परमेश्वर ने कहा तुमने कहा था, क्योंकि मैं तेरे मन को जानता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा यहां पर इन 1 से 15 के बीच में कि किस तरीके से परमेश्वर के साथ इब्राहिम का संबंध था, उस संबंध को हमें अपने जीवन में कैसे बरकरार रखना है, कैसे वो इंतजार करता था रोज परमेश्वर का। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कड़ी धूप में इंतजार कर रहा प्रभु का कि प्रभु आए, और इंतजार करने के बाद वो सेवा कैसा करता है कि मैं परमेश्वर को कैसे तृप्त करूं, मैं तृप्त कैसे करूं मैं अपने जीवन से। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं हमारा बुद्धि नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान ही नहीं है, हमारा पैसा नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम कैसे तृप्त करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, ना आपके पैसे की जरूरत है, ना आपके साधन की जरूरत है, ना आपके ज्ञान की जरूरत है, ना आपके बॉडी की जरूरत है। परमेश्वर सिर्फ आपका मन देखता है। आप मन से कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं, आप मन से कैसे उसे तृप्त करते हैं, और वो भी संडे के संडे नहीं, पूरे जीवन। मसीह जीवन का मकसद क्या है, पूरा उपवास का मतलब क्या है, मसीह पूरे जीवन उपवास में रहेगा। अगर वो सच्चा मसीह है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है तो पूरा जीवन उसे उपवास में गुजारना है। किससे उपवास? संसार से उपवास, अपनी अभिलाषाओं, गंदे आंखों की अभिलाषाओं से उपवास, शरीर की अभिलाषाओं से उपवास, बुद्धि के घमंड से उपवास, इन 3 चीजों से आपको उपवास रखना है। अगर आप मसीह हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में काम हो, परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर आपसे प्यार करेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ये उसका वादा है। इसलिए अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिन में, रोज अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को रखिए। उससे मांगिए कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर हो। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है मेरे भाई मेरी बहन, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, उसकी आत्मा आपके जीवन में आएगी और काम करेगी। हालेलुया। आज का जीवन, आज का वचन आपको ग्रहण किया, अच्छा लगा, कितनों को आशीष मिली। हालेलुया।